बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन टॉपिक पर हम थे एसटीएस के लिए स्पेशली, और अब देखें लीनियर इक्वेशन को हमने कुछ किया और भी मज़ीद करते हैं। ये जो स्टार्टिंग वाले सम्स हैं बिल्कुल ईजीएस्ट हैं, मैं एक दो फिर से भी करता हूँ, लास्ट वीडियो में भी किए थे। और लास्ट वाले जो हैं तीन सम्स स्पेशली सॉल्यूशन सेट वाले, इस तरह के आप ज़्यादा मेहनत करें, मैं इनमें से एक आपको कराता हूं, बाकी हिंट दे के आपको असाइनमेंट दे दूंगा, आप जैसे करें। अब मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले पहला नंबर करता हूं, उसके बाद ये माइनस का है, दूसरा प्लस का, ये मल्टीप्लाई का, और एक मैं करूंगा डिवाइड का, उसके बाद आगे इन पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है पहला सम एक्सरसाइज 9.2 का, x माइनस 7 इक्वल टू 8। तो दोस्त काफ़ी कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, जो इंटरमीडिएट है, मेट्रिकुलेशन, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन ऐसी चीज़ है, क्लास 5-6 से शुरू होती है, कंटिन्यू आगे चलती रहती है। तो डायरेक्ट अगर मैं मिसाल मेट्रिक की बुक से उठा के समझा दूँ तो काफ़ी दोस्तों को डायरेक्ट वो बड़ी चीज़ समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आईबीए जो है वो भी इतने टफ मैथ नहीं देता कि एकदम ही मास्टर लेवल की मैथ हो, ग्रेजुएशन लेवल की। आपकी क्लास 8 तक अगर मैथ बिल्कुल क्लियर है तो आपको ये टेस्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक तक लीनियर इक्वेशन जो है आपको क्लियर कराऊँगा इंशाल्लाह 5 से 6 लेक्चर में। आज दूसरा लेक्चर है। तो अब ये है माइनस हो रहा है एक्स माइनस 7 इक्वल टू 8। पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद इसको नीचे ले आएंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन है, जैसे इसकी इस साइड अगर जाएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी जैसे ये माइनस 7 है। अब एक सवाल है कि हम एक्स को उस साइड क्यों नहीं ले जा सकते, इसलिए एक तो एक्स वेरिएबल है, दूसरी बात ये कि इधर जब नंबर है तो जाहिर सी बात है ये नंबर को अट्रैक्ट करेगा, नंबर नंबर के पास ही जाएगा। तो ये हम लिखेंगे एक्स, अब ये बराबर है, आगे है 8। अब ये जो माइनस 7 है, जब ये बराबर यानी इक्वेशन क्रॉस करके उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7, यानी यहाँ पर माइनस 7 था, जब ये क्रॉस करके उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस 7 होता तो क्रॉस करके यहाँ माइनस बन जाता, या माइनस या प्लस बन गया। अब क्या x इक्वल टू ये 8 प्लस 7, 8 और 7 15, ये सम है। अब ये था माइनस का, इसके बाद जो दूसरा नंबर है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है, सम है वो प्लस का, यानी y प्लस 5 इक्वल टू 22। इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर आगे समझाऊंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, यानी आप जो कह रहे हो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर ग्रेजुएशन लेवल मैट्रिक लेवल, तो उसमें ये आएंगे, ये मैं समझाता हूँ, लेकिन हल्की लेवल है थोड़ी। अब पहले तो हम सॉल्यूशन लेके इसको नीचे लिखाएंगे, जिस समझे लिख लिया। अब यहाँ पर वाई है, कहीं पर एक्स है, कहीं पर ए है, कहीं पर बी, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल यानी जिसके तब्दील होने से कोई फ़र्क ना पड़े। मिसाल हम लिखें a बराबर है 5, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5। अब ये जो 5 हैं ये है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, यानी तब्दील ना होने वाला, जिसके तब्दील होने से फ़र्क हो। और ये a b c d ये क्या है, a b c, ये है वेरिएबल, क्या है दोस्तों वेरिएबल, यानी तब्दील होने वाले, जिसके तब्दील होने से कोई फ़र्क ना पड़े। अब आप देखें, इसका जवाब 5, इसका जवाब 5, इसका 5, इसका आंसर इसका भी 5, फ़र्क इनसे पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क आप देखें, a इक्वल टू 5, बी इक्वल, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 7, इसका आंसर 5, इसका 6, इसका 7, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जो जवाब है वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं, तो ये जो हैं कांस्टेंट नंबर हैं ये चेंज नहीं, यानी ये जो a है, ये जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ x था, यहाँ y है,
जेड हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो, उससे आप टेंशन ना लें। आपका काम है सिर्फ नंबर को पकड़ना कि भाई इधर पिल्ला से उधर माइनस, इधर माइनस से उधर प्लस करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करेगा, अगर इधर डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई। लेकिन आप सॉल्यूशन करके इसको नीचे ले आएंगे, y प्लस 5 इक्वल टू 22। अब देखें यहाँ पे y है, ये बराबर की साइन है, इक्वल की 22, प्लस का 5 है उधर ले जाएंगे माइनस का। अब 22 से माइनस 5 यानी 22 से 5 को हम जब माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 17 आंसर आएगा। यहाँ हमारा आंसर x इक्वल टू 15, यहाँ y इक्वल टू 17। लास्ट में आपको हम आंसर्स भी दिखाते हैं कि ये आंसर हैं या नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो नंबर तीसरा है, नंबर तीसरा यानी इसमें वो नंबर है 5, तो 5 नंबर जो इस एक्सरसाइज में वो है 3x इक्वल टू 30। सॉल्यूशन के बाद हम इसको ले आएंगे नीचे 3x इक्वल टू 30, तो आप ये देखें ये जो 3 है और x है यानी कंसोनेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है यानी कोई निशानी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 वहाँ क्या करेगा, ये x ये इक्वल टू 30, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर है 30 डिवाइड बाय 3, इस तरह डिवाइड करो, मिसाल तौर 3 का टेबल 30 पे 10 बार 30, ऐसे करो या डायरेक्ट टेबल लगाओ 3 का 3 पे 1 टाइम और 30 पे 10 टाइम, तो x इक्वल टू 10 ये हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों उसके बाद है नंबर 7 यानी x अपॉन 4 इक्वल टू 3, यहाँ 4 जो है वो डिवाइड कर रहा है तो उस साइड 3 के साथ क्या करेगा, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई यानी x इक्वल टू 3 इंटू 4 12, तो इसका आंसर क्या आया, 12 आया। दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा इससे ज़्यादा लेवल का मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट बुक पे जो जाएंगे इसकी एक एक एक्सरसाइज होती है बुक के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं सैंपल पेपर के अंदर भी मिले हुए हैं जो IBA ने दिए हैं, तो मैं बुक से देख के आपको बताता जा रहा हूँ। अब जैसे ये है मिसाल नंबर 13 है, 6x-4 अपान 2x+2 इक्वल टू 2। अब ये है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के इसको दोबारा लिखेंगे, मिसाल लिख लिया, अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये 2x है ये 2 है, अब यहाँ डिवाइड होता वहाँ 2 होता 4 बन जाता मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखें ये 2x+2 नीचे है माना डिवाइड कर रहा है, वहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई, आप ये लिखें 6x-4 इक्वल टू 2, ये 6x-4 ये 2, अब ये डिवाइड कर रहा है इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट देके 2x+2, अब ये क्या है 6x-4, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस का 4 उधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि पहले इसकी सेटिंग हो जाए, इसकी होगी तो आगे काम होगा ना। अब ये क्या है 2 ब्रैकेट फिर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, एक्स का एक्स प्लस का प्लस 2 टू द 4, अब यहाँ 6x वहाँ 4x, यहाँ माइनस का 4 वहाँ प्लस का 4, हम क्या करेंगे x x की तरफ जाएगा, नंबर नंबर की तरफ जाएगा, अब ये बड़ा है 6 बड़ा या 4, आप कहेंगे 6 बड़ा, हम कहेंगे 6x को इधर रखो छोटे को बुला लो भाई, जाहिर सी बात है बड़ा छोटे को ही बुलाता है ना, मिसाल किसी कौम का कबीले का सरदार है उसको किसी आम आदमी में काम पड़ गया, कोई किसी की शिकायत आई तो वो आम आदमी को बुलाएगा ना कि भाई इससे कहो सरदार बुला रहा है, फिर वो सरदार के पास जाएगा, या ऐसे होगा कि किसी आम आदमी को सरदार में काम है वो कह गए सरदार से कहना मुझसे मिल के जाए, तो जाहिर सी बात है भाई 6 बड़ा या 4, आपको कहे 6 बड़ा, तो ये सरदार हुआ ये छोटा, ये इधर आ जाएगा इसके साथ, ये इसको खींच लेगा कि आ जाओ इधर, अब ये 4x प्लस के हैं इधर आके माइनस के हो जाएंगे, अब ये बराबर ये प्लस 4 है, अब ये माइनस 4 उधर जाएंगे,
ये प्लस फोर हो जाएंगे, यानी x x के साथ x वाला नंबर और सिर्फ नंबर नंबर के साथ। अब ये क्या है, 6x माइनस 4x, 6x से 4x गए, 6 से 4 गए भाई 2x का x बराबर, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 यानी 8। अब 2 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई उधर ले जाओगे, 8 के साथ डिवाइड करेगा, 2 का टेबल 2 पे एक बार, 8 पे 4 बार, x इक्वल टू 4, ये आपका आंसर। ये उत्ते कर 5x माइनस 4 अपान 8 इक्वल टू x प्लस 6 अपान 4। अब यहाँ पर देखें, ऐसे तो एक नंबर नीचे होता था, हम कहते थे डिवाइड कर रहा है, उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन यहाँ तो दोनों नंबर ही नीचे, इधर भी नीचे उधर भी, अब क्या करें। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद क्या करना है कि ये जो 8 है इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर लेके सॉरी इधर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, उधर लेके मल्टीप्लाई करेगा। ये 4 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, या आप लिखें बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, कि यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर होके मल्टीप्लाई करेगा, इस टर्म के नीचे है तो इस दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, 5x माइनस 4 से इक्वल है, ये 8 इसके नीचे है जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 6 के, यानी ये इधर 4 उधर मल्टीप्लाई, इधर का 8 उधर मल्टीप्लाई, ये जहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई। अब हम सॉल्यूशन इसकी करेंगे आगे, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 4 5 20, एक्स का एक्स माइनस की माइनस, 4 4 यानी 4 4 16 इक्वल टू, टेबल पढ़ रहे हैं भाई, 4 चुके 16 सिंधी में 4 चुक 16 बराबर 8 जरा भिक सॉरी 8 मल्टीप्लाई एक्स, 8x थींदो छा थींदो 8x, 8x होगा, फिर प्लस है इधर प्लस 8 × 6 8 6 48 8 8 48 8 6 48। अब देखें यहाँ पे x, ये x 20x और वो 8x, 20 बड़ा 8 बड़ा, आप कहेंगे 20 बड़ा है भाई, तो बड़ा छोटे को बुला लेगा, जो बड़ा है छोटे से कहेगा आ जाओ इधर, यानी ये इधर रहेगा 20x, इसको कहेगा आ जाओ, ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8x बन जाएगा ये बराबर। अब ये 48 इधर बड़ा है, 16 कहेगा आ जाओ इधर, ये माइनस का 16 जब उधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब 20 माइनस 8, 20 से 8 गए 12x बराबर 48 प्लस 16, अब ये 48 प्लस 16, 8 और 6 14, 4 इधर एक ऊपर, 1 और 4 5, 5 और 1 6 कितने हुए, अब ये 20 से 8 गए 12x का x, ये 48 प्लस 16, 48 और 16 को जब हम प्लस करेंगे, 8 और 6 14, 4 इधर एक ऊपर, 1 और 4 5, 5 और 1 6 64 यानी 64। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा इधर आके, अब 12 का टेबल 64 पे नहीं जा रहा, दोनों पे कोई सेम, 2 का इधर लगाएंगे भाई, 2 का 12 पे 6 बार, इधर 2 का 6 पे 3 बार, 4 पे 2 बार, x इक्वल टू 32 अपान 6, फिर 2 का इस पे 3 बार, 2 का 32 पे 16 बार, यानी 3 पे 2 वन द 2 एक बच गया आगे, 12 पे 6 बार, तो 16 ऊपर 3 नीचे। अब कोई टेबल जा रहा है, नहीं जा रहा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे, जब नीचे ये छोटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड, यानी 16 ऊपर है नीचे 3, 16 को 3 के साथ डिवाइड, 3 का टेबल 5 बार, 5 दिया 15, 16 से 15 का 1, ये जो क्वेश्चन है जो जवाब है वो हम रखेंगे साइड में होल में, ये जो बच गई रिमाइंडर ऊपर और ये जो नीचे वाला नंबर 3 है वो सेम रहेगा, ये इसका आंसर आया। तो दोस्तों ये
इक्वेशन है अपना लीनियर इक्वेशन, ये पेपर में आएंगी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के पेपर में। दूसरी बात, ये असाइनमेंट देने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के साथ सब्सक्राइब करें, जैसे आने वाली हर नई वीडियो आपके लिए अहम होती है और आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। ये मज़ीद फॉर फर्दर कंटेक्ट 0349-982-9610 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, 0349-982-9610। दिस इज़ ओनली फॉर व्हाट्सएप। तो दोस्तों, ये हैं आज के सम्स और अभी मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट। ये असाइनमेंट रही एक्सरसाइज 9.2 है, असाइनमेंट हैं ये पूरे 15 सम्स हैं, ये सारे करें और करके आप चेक कैसे करेंगे वो मैं आंसर शीट आपको भेज देता हूँ अभी। तो ये है 9.2, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 15 तक सारे यहाँ मिले हुए हैं। तो ये आप कर लें असाइनमेंट में और अपने भाई अख्तर अली सोलंगी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।